जय श्री राम जय बालाजी सरकार आज मैं आप सभी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें माँ दुर्गा के नौ रूपों के बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि प्रथम दिन किस रूप का किस रूप की पूजा की जाती है माँ दुर्गा के इस बारे में चर्चा करेंगे उनकी क्या कथा है क्या व्रत विधि है कैसे पूजन करना चाहिए क्या मंत्र है इस बारे में चर्चा करेंगे तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जाने माँ शक्ति के नौ रूपों के बारे में क्या इनके नौ रूपों की महिमा है और क्या कथा है इस बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जानें मां दुर्गा के नौ रूपों के बारे मां दुर्गा की नौ शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं कि मां दुर्गा नौ शक्तियों के बारे में इनकी कथा क्या है नवरात्रि में व्रत कैसे करें इस बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूप नौ दिनों की पूजा करके मनाया जाता है हम जो नवरात्रि होती है नौ दिन का व्रत होता है और माता के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है इस साल नवरात्रि 22 मार्च से 2023 से शुरू हुई और 30 मार्च 2023 को खत्म हो गई माँ दुर्गा के नौ रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं कहते हैं नवरात्रि में माँ के इन नौ रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती हैं और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं। चलिए सुनते हैं माँ के कल्याणकारी नौ रूपों का वर्णन एवं कथा इनके नौ रूपों का वर्णन क्या है कथा क्या है माँ दुर्गा के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माँ को अर्पित है नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वह शैलपुत्री माँ के लिए होता है नवरात्रि के के पहले दिन पुत्री की की पूजा जाती है। पुराणों के अनुसार पुत्री का पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है मां शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है मां शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक पूजन करने से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है यदि आप प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का विधि पूर्वक पूजन करते हैं तो आपको शुभ फल मिलता है माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए माता को सफेद वस्तुएं पसंद है हमारी जो शैलपुत्री माँ है इनको सफेद वस्तुएं पसंद है इसीलिए पूजा में सफेद फल सफेद फूल मिष्ठान चढ़ावाना बहुत फलदायी है कुंवारी कन्याओं का इस व्रत को करने से अच्छे बर की प्राप्ति होती है यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उन्हें अच्छे फल की अच्छे बर की प्राप्ति होती है माँ शैलपुत्री का पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है यदि आप मां शैलपुत्री की पूजा या व्रत करते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आती है माँ शैलपुत्री की कथा क्या है आइए हम जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की कथा क्या है इस बारे में चर्चाएं करेंगे एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया परंतु शिव जी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया उन्होंने शिवजी को यह बात बताई तब शिवजी ने कहा प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है यह सुनकर मां सती का मन शांत नहीं हुआ उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी यानी भोले बाबा ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी जब मां सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा है कर रहा था केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वत राज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जाने गई इस प्रकार से माता पार्वती शैलपुत्री के नाम से जानी गई नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है नवरात्रि का जो द्वितीय दिवस होता है वह ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी माता की व्रत विधि क्या है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है ब्रह्म का अर्थ तपस्या होता है जो ब्रह्म का अर्थ होता है वह तपस्या होता है और चरणी का अर्थ आचरण होता है अर्थात तप का आचरण करने वाले माँ ब्रह्मचरणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में कमंडल है इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है ब्रह्मचारिणी माता को ब्रह्म का रूप माना जाता है मा ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है ब्रह्मचारिणी के लिए मां पार्वती के वह समय का उल्लेख है जब शिव जी को पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की थी उन्होंने तपस्या के प्रथम चरण में केवल फलों का आचरण किया और फिर निराहार रहे वर्षों तक निराहार के कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया देवी ब्रह्मचरणी की पूजा से तप त्याग संयम की प्राप्ति होती है यदि आप माँ ब्रह्मचरणी की पूजा करते हैं तो आपको त्याग संयम की प्राप्ति होती है है माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिमय और भव्य है माता मंगल ग्रह की शासक हैं और भाग्य की दाता हैं। यदि आप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करती हैं तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है इस बारे में चर्चा करने वाली है माँ सती अग्नि की राख में भस्म होकर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया जब वह बड़ी हुई तब नारद तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिव ही बर के रूप में प्राप्त हो जब माँ शैलपुत्री को नारद जी ने बताया कि आप तपस्या करेंगी तो आपके पूर्व जन्म के पति ही आपको प्राप्त होंगे इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की तब उन्हें ब्रह्मचरणी नाम दिया गया जब शैलपुत्री पुत्री मां ने अधिक कठिन तपस्या की तो उनके लिए ब्रह्मचरणी का नाम दिया गया उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे सर्दी हो या गर्मी सभी में घोर कष्ट सहे तीन हजार वर्षो तक टूटे हुए बिल पत्र खाए जो बेल के पत्र हैं वो खाए तीन हजार वर्ष तक और भगवान शंकर की आराधना की उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की मां शैल पुत्री ने यह देखकर सारे देवता गण हो गए उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती हैं इसीलिए उनको भगवान शिव जी की पत्नी के रूप में प्राप्त होंगे उनको मतलब माता पार्वती को शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे तो अब वह घर जाएं और तपस्या छोड़ दें माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया इस प्रकार से माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा कि इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की और इस प्रकार से इन्हें दूसरे जन्म में भी पति के रूप में शिव जी मिले नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित है हमारी जो माँ चंद्र घंटा है उनको नवरात्रि का तृतीय दिवस समर्पित है आइए जानते हैं कि माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा क्या है और इनके बारे में नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है माँ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है जो हमारी चंद्र घंटा माँ है इन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है देवी की सवारी बाघ है जो हमारी चंद्र घंटा माँ है इनकी सवारी बाघ है और दस दस हाथों में कमल धनुष बाण कमंडल गदा पुष्प जैसे अस्त्र हैं इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट है जो हमारे माँ चंद्रघंटा घंटा है उनके गले में श्वेत माला है पुष्पों की और शीश पर मुकुट है अपने दोनों हाथों से वह साधकों को चिरायु आरोग्य और सुख संपत्ति का वरदान देती हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को जन्म जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है जो हमारी माँ चंद्र घंटा की पूजा करता है व्रत करता है तीसरे दिन उस उस भक्त को जन्म जन्मांतर तक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उस पर माता चंद्र घंटा की हमेशा कृपा बनी रहती है चंद्र घंटा माँ की कथा क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे प्राचीन समय में देव और दानवों का युद्ध लंबे समय तक चला देवों के राजा इंद्र और राक्षसों के राजा महसासुर थे इस युद्ध में देवताओं की सेना राक्षसों से पराजित हुई और एक समय ऐसा आया कि देवताओं से विजय प्राप्त कर महसासुर स्वयं इंद्र बन गया देवताओं से विजय प्राप्त करके महसासुर इंद्र इंद्र बन गया उसके बाद देवता भगवान विष्णु और शिव जी की शरण में गए और उन्होंने बताया कि महसा ने सूर्य इंद्र अग्नि चंद्रमा और, और उनको बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोग का राजा बन गया है यह सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को अत्यंत क्रोध आया इसी समय ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के क्रोध के कारण एक महा तेज प्रकट हुई इसी मतलब जो क्रोध था विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा जी का इसी से एक महातेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजमय शक्ति बनकर एकाकार हो गई यह तेजमय शक्ति एक पर्वत के समान थी उसकी ज्वाला दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी जिसके प्रभाव से तीनों लोग भर गए। समस्त देवताओं देवताओं के तेज से प्रगट हुई देवी को देखकर की खुशी का ठिकाना न रहा भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और विष्णु भगवान ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया इसी प्रकार सभी देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए इंद्र ने अपना और एक घंटा देवी को दिया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देवी के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए वाहन के रूप में बाघ को दिया और इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महसासुर और उसकी सेना के साथ युद्ध किया और महसासुर एवं अनेक अन्य राक्षसों का वध किया माता चंद्रघंटा चंद्रघंटा ने और राक्षसों का का किया तभी से मां सती का नाम पड़ा और इनका तृतीय दिवस नवरात्रि के तृतीय दिवस पूजा की जाती है चंद्रघंटा के रूप में नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है कुष्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी माना जाता है कि जो हमारे माँ कुष्मांडा है इनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी इसीलिए इन्हें सृष्टि के अध्य शक्ति के रूप में जाना जाता है माँ कुष्मांडा को कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत सौभ्य सौम्य और मोहक माना जाता है हमारी जो माता कुष्मांडा है इनका शांत रूप स्वरूप है और मोहक माना जाता है इनकी आठ भुजाएं हैं मां कुष्मांडा की आठ भुजाएं हैं इसीलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहते हैं इनके साथ हाथों में कमांडल धनुष बाण फल पुष्प अमृत कलश चक्र गदा है आठ में हाथ मैं सभी सिद्धि को देने वाली जब की माला है जो आठवां हाथ है माँ कुष्मांडा का उसमें एक सिद्धि को सभी को सिद्धि देने वाली जब की माला लिए हैं माता का वाहन शेर है माता के पूजन से भक्तों से सभी कष्टों का नाश करती हैं माता की जो भी भक्त पूजा करता है उन सभी भक्तों के सभी कष्टों को नाश कर देती है माँ कुष्मांडा का नाम का मतलब है एक ऊर्जा का छोटा सा गोला एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की हो तो मा मां कुष्मांडा को जो नवरात्रि का चौथा दिन है उस दिन पूजा की जाती है इनके आठ हाथ हैं तो आठों हाथों में ये अलग-अलग शस्त्र अलग लिए हुए हैं तो इनकी कृपा जो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करता है तो माँ कुष्मांडा की कृपा उस भक्त पर हमेशा बनी रहती है माँ कुष्मांडा की कथा क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे जब यह सृष्टि अंधकार में थी तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और यह गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा और फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया वह कुसमांडा माँ के नाम से प्रचलित हुई इनका स्थान सूर्यमंडल भीतरी लोक में है सूर्यमंडल में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है माता ने सबसे पहले तीन देवियों की रचना की वह तीन देवियाँ माँ लक्ष्मी माँ महाकाली और माँ सरस्वती थीं महाकाली के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया नर के पांच सिर सिर और 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 हाथ थे, उनका नाम सिव रखा गया, और नारी का एक सिर और चार हाथ थे उनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ नर के चार हाथ और चार सिर थे उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया फिर माँ सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ नर का एक सिर और चार हाथ थे उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का एक शरीर एक सिर और चार हाथ थे उनका नाम शक्ति रखा गया माँ ने भगवान शिव को शक्ति ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए माँ ने अनेक देवी देवताओं की रचना की इसीलिए इन्हें सृष्टि की रचेता माना जाता है माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचेता इसीलिए माना जाता है यदि जो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करता है तो माता रानी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है उनका आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा रहता है। नवरात्रि का पांचवा मा दिन माँ स्कंद माता के लिए समर्पित है नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है स्कंद माता नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है स्कंद और माता स्कंद भगवान कार्तिके का दूसरा नाम है कर्क कार्तिके भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं इसीलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिके की माता माता की चार भुजाएं हैं वह एक हाथ में कार्तिके को पकड़े हुए हैं और दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं माता स्कंद माता चौथे हाथ से सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं उनका वाहन शेर है और वह कमल पर विराजमान है माता स्कंद माता का वाहन शेर है और वह कमल पर विराजमान है स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठानी देवी हैं अधिष्ठानी देवी हैं और विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है जो भी भक्त माता की पूजा करता है अर्चना करता है उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता है और वह विद्वान बनता है इनकी पूजा से सोलह कलाओं और सोलह विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है जो भी स्कंद माता की पूजा अर्चना करता है उसको पूजा से सोलह कलाओं और सोलह विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है तो माता स्कंद की इस प्रकार से पूजा की जाती है और माता स्कंद की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है आइए जानते हैं माता स्कंद माता की कथा क्या है सती जब अग्नि में जलकर भस्म हो गईं, उसके बाद शंकर भगवान संसारिक मामलों से दूर हो गए और कठिन तपस्या में लग गए उसी समय देवता गण तारका के अत्याचार भोग रहे थे तारका को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान उसका वध कर सकती है बिना सती के संतान नहीं हो सकती थी इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए तब विष्णु ने उनको कहा कि यह सब की बजाय आप लोग ही हो अगर आप सब राजा दक्ष के वहां बिना शिव जी के नहीं गए होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को माता पार्वती के बारे में बताते हैं जो सती माता की अवतार हैं तब नारद मुनि माता पार्वती के पास जाकर उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करने को कहते हैं और माता पार्वती की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करते हैं उन दोनों की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज पैदा होता है उस बीज से छह मुख बाला कार्तिके जन्म लेता है और फिर कार्तिके तारकासुर का एक भयंकर युद्ध में बध कर देता है तभी से स्कंद माता एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र कार्तिक के की माता के नाम से जाने जाती हैं। तो माता स्कंद की जो भी नवरात्रि के पांचवें दिन पूजा करता है उस पर माता इसकंद की हमेशा कृपा बनी रहती है और नवरात्रि का छठवा दिन माँ कात्यानी के लिए समर्पित है नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यानी की पूजा होती है माँ कात्यानी की पूजा करने से भक्तों को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है सभी रोग भय आदि दूर हो जाते हैं यदि आप माँ कात्यानी की पूजा करते हैं नवरात्रि के छठे दिन तो आपके सभी रोग भय आदि दूर हो जाते हैं माँ कात्यानी की कृपा से शादी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं यदि किसी भी भक्त की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो आप यदि मां कात्यानी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा से यह बाधाएं भी दूर हो जाएगी और बृहस्पति शादी के योग भी बनते हैं और इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है यदि आप मां कात्यानी की पूजा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है और मां कात्यायनी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है मां कात्यानी की कथा क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यान ने मां की की घोर तपस्या तपस्या थी और उनकी से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहां पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था जब कात्यान महर्षि ने तपस्या की माता की तो माता जी ने पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था महर्षि को माँ का जन्म महर्षि के आश्रम में हुआ था। कहते हैं जिस समय महसासुर का अत्याचार बहुत बड़ा गया था, तब त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी माँ ने दसवीं तिथि के दिन महसासुर नाम के राक्षस का वध किया था इसके बाद शुम्भ निशुभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। था। उनका उनका अत्याचार बढ़ने से ने उनका भी बद कर दिया था। इस तरह है। अगर कात्यानी की पूजा की जाए तो व्रत को पढ़ा या सुना जाए माँ उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा सदैव करती है यदि आप माँ कात्यानी की पूजा करते हैं कथा सुनते हैं तो माता रानी कात्यानी आपके शत्रु से आपकी हमेशा रक्षा करती हैं और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि का सातवां मा दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है तो आइए जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाती है और इनकी कथा क्या है नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है काल अर्थ मृत्यु होता है काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है अतः काल रात्रि का अर्थ अंधकार की मृत्यु होता है काल रात्रि दुर्गा का सबसे भयंकर रूप है काल रात्रि माँ का रूप गहरा है माँ के गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं माँ रात्रि के चार हाथ हैं और उनका एक हाथ में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभाय मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों की रक्षा करती है और तीसरे हाथ में उन्हें वज्र पकड़ा है और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है माँ कालरात्रि का वाहन गधा है और माँ की पूजा करने से व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण ला सकता है नवरात्रि का सातवां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है यदि जो माँ कालरात्रि की पूजा करता है नवरात्रि के सातवें दिन व्रत करता है तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है और माँ कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है माँ कालरात्रि की कथा क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे प्राचीन समय में सुंभ निशुंभ दैत्यों ने अपने बल से इंद्र का राज्य छीन लिया था और उनके अत्याचार देवताओं पे बहुत बढ़ गए थे तब वह मदद मांगने हिमालय पर्वत पर जाकर मां भगवती की स्तुति करते हैं मां पार्वती को जब इनके बारे में पता चलता है तब उनके शरीर से अंबिका निकली तो पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा युद्ध में सुंभ निसुब ने दो राक्षसों चंड और कुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और कुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया और काली माता ने चंड और कुंड का बध किया इसीलिए वह चामुंडा के नाम से जानी जाती हैं। कालरात्रि मां चामुंडा नाम से भी जानी जाती हैं। इसके बाद ने सुम्भनेशुभ ने रक्त बीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। उसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि जब उसकी एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी वह दूसरा रक्त बीज बन जाएगा। जिससे उसके जैसा पराक्रमी पैदा हो जाएगा युद्ध में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पे बहुत सारे दानों पैदा हो तब का भय बढ़ गया। उनका भय देखकर अंबिका मां ने माँ काली से कहा हे चामुंडे अपने रूप को बड़ा करो और रक्त बीज से उत्पन्न हुए सारे महाअसुरों का भक्षण करो उसके बाद काली माँ ने अपना रूप बड़ा करके अपने त्रिशूल से से रक्त 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 बीज बीज पर प्रहार किया। तब बीज के शरीर जो भी निकला उसको माँ ने पी लिया और उसके बाद माँ ने रक्त बीज को वज्र बाण खड़क से मार डाला माँ काल रात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है और क्रूरता को खत्म करने वाली हैं यदि आप माँ रात्रि का व्रत करते हैं कथा सुनते हैं तो उनकी कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहती है नवरात्रि का आठवां दिन महा गौरी माँ के लिए अर्पित है नवरात्रि के आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं यदि कोई भी भक्त नवरात्रि के आठवें महागौरी की पूजा अर्चना करता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है और इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है इनके पूजन सौभाग्य में वृद्धि होती है माता ने महा तपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं माँ के चार हाथ हैं इनके दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं और नीचे वाले हाथ में दाहिनी मुद्रा में है बाएं तरफ के हाथ तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किए हैं माँ का वाहन बैल है महागौरी माँ का वाहन बैल है और जो नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा करता है तो उस पर महागौरी की कृपा हमेशा बनी रहती है महागौरी की कथा क्या है इस बारे में चर्चा करेंगे माता पार्वती ने शिव जी के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा माता ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया माता के कई सालों तक जंगल में रहने से और भूखे प्यासे रहने से वह काफी दुर्बल और उनका रंग काला हो गया था इसीलिए शिवजी ने उन पर कमंडल डालकर उन्हें गौर वर्ण दिया तब से वह महागौरी के नाम से जानी जाती है दूसरी कथा यह है कि जब माता जंगल में तपस्या कर रही थी तब एक से वहां आ पहुंचा और वह भूखा था इसीलिए माता को देखकर देखकर उसे लालचा आ गया परंतु माता तपस्या में लीन थी इसीलिए वह सह वही बैठ माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार करता रहा सह भी तपस्या के दौरान काफी दुर्बल हो गया इसीलिए जब माता तपस्या से उठी तब उन्होंने शह को देखा और उसपे दया आ गई इसीलिए माता ने उसे अपना वाहन बना लिया तब से माता के दो वाहन हैं बैल और सह महागौरी के दो वाहन हैं बैल और सह जो माता रानी की आठवें दिन नवरात्रि के आठवें दिन पूजा करता है महागौरी की कथा सुनता है व्रत रखता है तो उस भक्त पर महागौरी की हमेशा कृपा बनी रहती है और उसको नवरात्रि का नौवा दिन माँ सिद्धि को समर्पित है नवरात्रि का जो जो होता है, जो भी भक्त सिद्धि दायत्री की के लिए व्रत करता है पूजा अर्चना करता है तो माता सिद्धि दायत्री की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है नवरात्रि के नौवें दिन माँ दायत्री की पूजा की जाती है और सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होता है सिद्धि दायत्री का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है इस रूप में मां कमल पर विराजमान हैं, माता के चार हाथ हैं उनके चारों हाथों में कमल गदा चक्र शंख धारण करती हैं माता का वाहन स है माता अज्ञानता दूर करने वाली है जो भी नवरात्रि के नौवे दिन माँ सिद्धि की पूजा करता है व्रत रखता है तो माता रानी उस भक्त की, भक्त की अज्ञानता को दूर करती हैं। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदायत्री की पूजा करने से अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईश्वत्व और वशित्व आठ सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष आलस्य, आदि से छुटकारा मिल जाता है। यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं और मां सिद्धि की पूजा अर्चना करते हैं तो इनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है सिध्धी दायत्री सिद्धि दायत्री माता की कथा पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धि दायत्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था इसीलिए उन्हें अर्ध नारेश्वर के नाम से जाना जाता है और एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी देवी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझने की सलाह दी उनके कहे अनुसार तिरदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की तब मां देवी ने सिद्धि दायत्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ इस तरह मां सिद्धि दायत्री की कृपा से सृष्टि की रचना हुई पालन संहार का कार्य संचालित हुआ इस प्रकार से सृष्टि पर पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ मां सिद्धि दायत्री की जो भी नवरात्रि के नौवें दिन पूजा करता है व्रत करता है कथा सुनता है उस पर माता सिद्धिदायत्री की हमेशा कृपा बनी रहती है और उस पर हमेशा कृपा बनी रहती है माता सिद्धिदायित्री का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जाने मां नौ दुर्गा के नौ रूपों के बारे में जय श्री राम जय बालाजी